PP 161 में जिमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम अपने अरूज पर पहुंच गई। UC 243 अटारी पेंट में PTA रहनुमाओं ने दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। कारकुनों की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। मलिक असद खोकर कहते हैं, कप्तान का खिलाड़ी हूं, अवाम की खिदमत ही मिशन है। 13 दिसंबर का तारीखी फतह का दिन होगा, अवाम को उनके हकूक दिलाएंगे। शेख जैद अस्पताल में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को एहतजाज महंगा पड़ गया। एकेडमिक काउंसिल की डॉक्टर्स समेत 14 अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई। यंग डॉक्टर्स के नायब सदर को एक माह की तनख्वाह देकर नौकरी से बर्खास्त कर दिया। 4 डॉक्टर्स को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म। पैरामेडिकल स्टाफ के 8 अफराद की भी मुअत्तली के अहकाम जारी। पीपल्स पार्टी का लीमा खान के असासों की तहकीकात के लिए JIT बनाने का मुतालबा। कमर जमान कायरा कहते हैं, झूठे मुकदमात पीपल्स पार्टी का आवाम से रिश्ता नहीं तोड़ सकते। दावों से कुछ नहीं होगा, मुआशरत की बहाली के लिए हंगामी इकदामात करने होंगे। पीपल्स पार्टी ने कभी हुकूमत से रिलीफ नहीं मांगा। दिन ब दिन बढ़ती तेजाबजात और ट्रैफिक मसाइल की बड़ी वजह सामने आ गई। शहर के मुतअद्दिद कमर्शियल प्लाजों में पार्किंग की सहूलत ही मौजूद नहीं। ट्रैफिक पुलिस ने क्रैकडाउन के लिए 246 प्लाजों की फहरिस्त बना ली। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज में 100 स्पीकर एक चैंपियन के उन्वान से तकरीरी मुकाबले। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। नन्हे मुकर्ररीन का वालेहाना अंदाज देखकर शुरका ने खूब दाद दी। और वीकेंड को भरपूर एंजॉय करने के लिए वापटा टाउन में फूड फेस्टिवल सज गया। बच्चों के लिए जंपिंग कैसल समेत मुख्तलिफ गेम्स का अहतमाम। गोलगप्पे और चाइनीज फूड स्टॉल्स पर लोगों का रश।